दोस्तों के जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यार, देख सकते हो कि भाई मतलब यहाँ पे आप आ रहे हो ना, यहाँ पे आप फोटो जरूर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। सो गाइस यार करंटली मैं हूँ, आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं हूँ अभी देहरादून में। सो गाइस यार बात करूँ यार, लखनऊ से मैं आया था देहरादून और वो जर्नी का ब्लॉग यार अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस आज यार प्लान है देहरादून एक्सप्लोर करने का और कुछ यार बेहतरीन जगह जाएंगे, जो कि मतलब देहरादून आ रहे हो तो मस्त है यार विजिट करना वहाँ पे। सो गाइज यार बने रहना चैनल पे यार, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। सो देर ना करते हुए चलिए आरंभ करते हैं। सो गाइज यार बात करूँ यार, करंटली मैंने होटल ले लिया है, होटल का रेट जो भी है, रूम का प्राइस और रूम टूर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और जो जो जगह हैं वो कितने किलोमीटर पर हैं और आप वहाँ पर किस तरीके से कितने कम पैसे में आप पहुँच सकते हो, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो देर ना करते हुए चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की 5 प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं देहरादून की, जो कि हॉटस्पॉट है देहरादून की। सो आइए चलते हैं अब हम, और मैंने कर लिया ऑटो। तो यार अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:12 और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है रेलवे स्टेशन से देहरादून के। सो गाइस अपना पहला स्पॉट होने वाला है नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, और देख सकते हो एंट्री कुछ इस तरीके की है, कोई बात नहीं। बेसिकली गाइज यार अभी मैं खड़ा हूँ यार, जैसे कि आप देख सकते हो, और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में, और गाइज यहाँ पे यार प्लांट्स पे और ट्रीज़ पे रिसर्च होती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो है, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं वो यहीं पे हॉस्टल में रहते भी हैं। तो आइए चलते हैं अब अंदर और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और उसकी लोकेशन की तो यार ये देहरादून चक्राता वाली रोड पर पड़ता है, जो कि देहरादून ISBT से अप्रॉक्सीमेट 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। भाई साहब गाइस यार मतलब यहाँ पे आप आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आप फोटो ज़रूर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोज़ आने वाली हैं। और देख सकते हो कितना ज्योमेट्रिकली इन्होंने मतलब सिमेट्रिक यूनिफॉर्म बना रखा है यार, बहुत ही सही। मतलब ये देखो ब्यूटीफुल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैंटीन भी मतलब बना रखी है, फिलहाल अभी बंद है। और सामने आप देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, और ये देख सकते हो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। सो गाइस वो वाला जो है आप सेक्शन देख सकते हो, वहाँ से हुई एंट्री, और जैसे आप थोड़ा सा आगे आओगे इस तरफ आपका पड़ेगा म्यूजियम वन। तो आइए चलते हैं। गाइस ये देख सकते हो यार कितना ब्यूटीफुल, 5 फ्लावर्स लगा रखे हैं, और कितनी मतलब नक्काशी के साथ, कितनी तरीके के साथ चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। और दूर दूर तक आपको यार ग्रीन कवर दिखने वाला है, और काफ़ी सारे यार प्लांट्स और ट्रीज़ आपको नजर आएंगे। वो देख सकते हो फूलों ने यार यहाँ की सुंदरता में और 4 चांद लगा दिए हैं। यार कुछ तो इस तरीके का आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून का कंप्लीट मैप मिल जाएगा म्यूजियम का। और सो गाइस म्यूजियम 2 से म्यूजियम 3 के बीच का जो एरिया है वो नो एंट्री जोन है, और बाकी आप एंटर कर सकते हो म्यूजियम 1 में 4 में 5 में। तो आइए चलते हैं, ये देख सकते हो ये है टिम्बर म्यूजियम। और बात करूँ यार मतलब इसके अंदर जो है जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी अलग से, सो इसके अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना है। तो आइए चलते हैं अब हम आगे। ये देखो क्या दिखा अपने को, पोस्ट ऑफिस, किसी को खत लिखना हो तो आप इसमें खत डाल सकते हो। सुबह से यार आप देख सकते हो यार मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है, और ये 1100 एकड़ में बना हुआ है कॉलेज, और आप देख सकते हो दूर दूर तक सिर्फ आपको ग्रीनरी नजर आएगी, और यहाँ पे आप आके बैठ भी सकते हो, काफी अपना मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो गाइस यार बात करो यार यहाँ की मतलब इस कॉलेज की जो एंट्री टिकट है वो है 15 रुपीज़, और अगर आप गाड़ी से आ रहे हो मतलब मैं ऑटो से अंदर आया हूँ, तो ऑटो की एंट्री का 25 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा। सो मतलब आपको चल के नहीं आना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बात करूँ यार अभी इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ सेकंड स्पॉट पे देहरादून का, जो कि सेकंड हॉटस्पॉट होने वाला है, और यहाँ मैं इसलिए जल्दी आ रहा हूँ क्योंकि ये शाम के 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है।
गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे स्पॉट पे जो कि है टपकेश्वर महादेव टेम्पल। तो आइए चलते हैं और करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। इस तरीके का बाहर का नजारा है और देख सकते हो प्रसाद अशाद की दुकानें यहाँ पे हैं, उधर पार्किंग भी है, सारी चीजें हैं। तो चलिए चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। फाइनली यार दर्शन हो चुके हैं मंदिर के अंदर और यार बहुत ही बढ़िया मतलब रहा। अंदर काफी सारे टेम्पल्स हैं, आपने देखी होंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली थी। सो आप देख सकते हो अभी मंदिर के बाहर ही हूँ और अब मैं निकलने जा रहा हूँ यहाँ से थर्ड स्पॉट की तरफ। तो आइए चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ थर्ड पॉइंट पे जो कि है गुच्चू पानी और जिसको यार लोग यार रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जानते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपके पास चप्पलें नहीं है तो आप यहाँ से चप्पलें भी रेंट कर सकते हो। सो गाइस यार बात करूँ इन चप्पलों का सीन क्या है कि अंदर यार केव है और वहाँ पे यार आता है पानी, तो उसमें आपको चप्पल पहन के जानी पड़ेगी। अगर आप अपनी ला रहे हो तो ठीक है, नहीं ला रहे हो तो आप यहाँ से रेंट से ले सकते हो। ये है यहाँ का मतलब एंट्री गेट, काफ़ी भौगाली बना रखा है और ये देख सकते हो टिकट को लेके इन्फॉर्मेशन 35 रुपीज़ पर पर्सन है। तो गाइस ये फाइनली यार ले लिया मैंने टिकट और जो कि पड़ी हमें 35 रुपये की। और गाइस बात करूँ मैं टाइमिंग की तो यार गर्मियों में जो है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है टाइमिंग गुच्चू पानी की, रॉबर्ट्स केव की, और सर्दियों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है। सो चलिए चलते हैं। तो गाइस यार अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो घुसते ही आपको रॉबर्ट्स केव में एक गेमिंग जोन मिल जाएगा जो कि यार बच्चों के लिए बहुत सही रहने वाला है, वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। तो चलिए चलते हैं और देख सकते हो ये जो धारा आपको मिल रही है यही सेम इसी टाइप की धारा आपको जो है अंदर केव में मिलने वाली है। तो अब इतने मंदिर है, ये स्टार्ट हो रही है रॉबर्ट्स केव और देख सकते हो नीचे पानी आता हुआ और मानसून में तो भाई बहुत ज्यादा लेवल रहता है, अभी तो कम है, हो सकता है आगे हो काफी ज्यादा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई उतर चुका है मैदान में। अरे भाई भाई धीरे धीरे चलो। तो गाइस यार पीछे आप देख सकते हो कुछ पानी भी आ गया है लेंस पे, रुको लेंस के मतलब साइड में। तो गाइस कुछ इस तरीके की केव है और चलिए बढ़ते हैं केव की तरफ और यार वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा इसको रॉबर्ट्स केव क्यों कहते हैं। सकते हो केव भाई मतलब जबरदस्त लग रही है, नेचुरल केव है। सो गाइस ये जैसे जैसे केव के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑल्दो मानसून में जो है अगर आप कभी आओगे तो पानी का लेवल घुटने तक होता है गाइस, घुटने तक। तो टेम्परेचर भी यार थोड़ा थोड़ा अंदर कम सा हो रहा है। तो यार ओ भाई साहब दिखाता हूँ व्यू, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, ये क्या गिरा, पत्ती गिरी। सो गाइस आप ये केव्स देख पा रहे होगे मतलब मानसून में जो है ना गाइस, मानसून में जो है। सो गाइस जो मानसून में मतलब इन केव से धाराएं बहुत सारी आपको नेचुरल फॉल्स देखने को मिलेंगे। और गाइस यार जो इस केव की जो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है लोग बताते हैं वो है 600 मीटर के अराउंड, तो समझ सकते हो। और अभी पानी का लेवल देख ही रहे हो इतना ज़्यादा तो नहीं है, तो इसकी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन भाई इसमें लोगों की चप्पलें बह जाती हैं, लिटरली चप्पलें बह जाती हैं और घुटनों तक पानी रहता है। और कैसे बात करो यार जब मानसून में इन मतलब केव के पत्थरों से जो नेचुरल पानी गिरता है पहाड़ों से, वो यार उसका जो सबसे जो मैक्सिमम जो फॉल की ये हाइट बताई गई है जो फॉल की वो है 10 मीटर। सो यार केव के एंड में कुछ इस तरीके का नज़ारा है और आपको एक वाटरफॉल भी मिलेगा, मतलब अभी इतना तेज नहीं है, ठीक ठाक है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने कपड़े वपड़े लेके आओ, नहा भी सकते हो। Hey, hey, hey.
मेरे को पता नहीं था कि यार इस मतलब केव के एंड में वाटरफॉल है, नहीं तो यार पक्का यार मैं कपड़े वपड़े लेके आता और भाई छपा छप नहाता। छपा 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 यार, मैं आपको आते टाइम बोल ही रहा था कि ऊपर पहाड़ों से अंदर से पानी आता है और देख सकते हो मानसून में भी आता है, मानसून में तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आपका फ़ोन वोन गीला हो जाएगा, बट अभी भी देख सकते हो काफ़ी सारा पानी ऊपर हिमालय से आ रहा है और कहीं ना कहीं से मतलब पानी तो जगह बना ही लेता है। सो आपको कि इसको रॉबर्ट्स केव क्यों कहा जाता है। सो गाइस यार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम यार मतलब आजू बाजू के इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लूटपाट होती थी और मतलब लूटपाट होने के बाद वो जो लुटेरे होते थे उनको जो है सबसे मतलब सेफ जगह ढूंढते थे कि लूटपाट करने के बाद छुपने के लिए ताकि वो पकड़े ना जाए। तो ये जो केव आप देख रहे हो दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल केव, तो यहाँ पे यार बहुत ईजी होता था उनके लिए आके छिप जाना और बाकी लोगों से ताकि वो बचे रहें, मतलब सरकार से बचे रहें, ब्रिटिश वो पकड़े ना जाएं चोरी करने के बाद। तो इसी कारण से इस केव का नाम रॉबर्ट्स केव पड़ गया। फाइनली रॉबर्ट्स केव एक्सप्लोर करने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी अपने फोर्थ पॉइंट पे जो कि सहस्त्र धारा होने वाला है। तो कुछ बैकअप भी कर लिया और खा भी लिया है यार, नूडल्स वूडल्स खा लिए थे और लस्सी भी ली थी, थोड़ी सी जान में जान आ गई। ऑल द ऑटो वाले भैया ने उंगली कर रखी है, पुदीना वो दिया है कि भैया आ जाओ बहुत देरी हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे सहस्त्र धारा की तरफ, तो देखते हैं सहस्त्र धारा मतलब यहाँ से कितनी दूर है और कितना टाइम लगता है। और सो गाइस बात करूँ यार रॉबर्ट्स केव से डिस्टेंस जो है सहस्त्र धारा की वो है अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर्स। यार वैसे तो हम जा रहे थे सहस्त्र धारा और लेकिन यार रास्ते में पड़ गया बुद्धा टेंपल जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, तो आइए चलते हैं इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट और इसके बाद फिर हम जाएंगे फाइनल पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट जो कि है सहस्त्र धारा। सो गाइस बब्बर शेर दिखते हुए गाइस यार आ चुका हूँ मैं अभी कंपाउंड के अंदर और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है बुद्धा टेंपल। और भाई बहुत ज़्यादा मतलब एक आपको बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होगा, बहुत अलग सी एनर्जी है। जो लोग एनर्जी पे वाइब्रेशन पे बिलीव करते हैं उनको ये डेफिनेटली अंदर फील होगा। और यार बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यार अंदर जो है मतलब डेकोरेट कर रखा है, सजा रखा है, झूमर उमर लगे हुए हैं और येलो लाइट है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस एक वॉल पे यार बुद्ध जी का जो जीवन है पूरा उसको दर्शाया गया है और बाकी बुद्ध जी को भी दिखाया गया है और वहाँ पे कई सारे और जो बुद्धिज़्म में देवी देवता हैं उनका जो है भी वर्णन है। फाइनली हम आ चुके हैं सहस्त्र धारा पे, आप देख सकते हो यार धाराएं बहते हुए। और बताऊंगा इसका कारण जो है सहस्त्र धारा का नाम क्यों दिया गया है। और देख सकते हो कपल बैठे हुए हैं चिल कर रहे हैं और वहां पे लोग हम साथ साथ हैं वाला पोज देके फोटो खिंचवाते हुए, जूम करता हूँ आप भी ध्यान से देखिए, आप लोग आओ तो जरूर फोटो वोटो खिंचवाना। और यहाँ पे जो है आपको नहाने आने के लिए अगर आपको कपड़े वपड़े चाहिए तो आपको मिल जाएंगे रेंट पे। और गाइस ऊपर जो है शिव मंदिर है एक और गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा भी है। सो गाइस यार आप यहाँ का पानी देख सकते हो यार, क्रिस्टल क्लियर वाटर भाई, मतलब बहुत ही साफ पानी है और ये पानी सीधा आता है हिमालय से। सो गाइस इसके यार काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि ये पानी यार बहुत ज़्यादा प्योर है और आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार। सो गाइस यार आप पीछे देख सकते हो जो सहस्त्र धारा का पानी आ रहा है वो यार उसके बारे में खासियत ये है कि ऐसा बोला जाता है कि इस पानी में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण से ये पेट के लिए और स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और काफ़ी सारे लोग यार इसमें नहा भी रहे हैं उस तरफ, तो जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से जाके कई लोग बकेट में पानी भर के भी ले जाते हैं पीने के लिए। पानी का कलर देखो है ना डिफरेंट। और गाइस यहाँ के पानी में यार हल्की सी कुछ अलग सी खुशबू भी है, तो आई थिंक वो सल्फर की वजह से ही होगी। मॉनसून में क्या होता है कि ये जो आप पीछे माउंटेन्स देख रहे हो
इसके अंदर से देख सकते हो अभी भी, वहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, अभी भी काफ़ी सारी धाराएं निकली हैं मानसून में भाई, बहुत चारों दिशाओं से पानी यहाँ पे आता है थोड़ा थोड़ा पत्थरों के बीच से। इस जगह को सहस्त्र धारा का नाम दिया गया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, फिर ऊपर से केव्स भी हैं वहाँ, दिखाएंगे आपको हम क्या क्या है और फिर हम वापस नीचे आएंगे। ये इधर था मंदिर का रास्ता, अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर और अभी हम जाएंगे इस तरफ। और देख सकते हो आप यार, गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा लगी हुई है और गुरु द्रोणाचार्य थे वो पांडवों के साथ साथ कौरवों के भी गुरु थे। सो गाइस आप सब समझ गए होगा कि इसको जो है सहस्त्र धारा क्यों बोला जाता है। तो गाइस यार मैं निकला था 12 बजे होटल से और अभी हो रहे 5:12, और यार इतनी देर में मैंने 5 जगह एक्सप्लोर कर ली और मैं तो वीडियो भी बना रहा था। आप लोग आ रहे हो, अगर आप लोग इतना व्लॉगिंग वॉगिंग नहीं करते हो, वीडियोस नहीं बनाते हो, तो आपको जो है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 3 से 4 घंटे में सब कुछ एक्सप्लोर प्रॉपर कर लोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होता हुआ देहरादून का, अमेजिंग सिटी ऑफ लव गाइस, सिटी ऑफ लव गाइस। हमारे होटल का नाम लिखा हुआ है जहाँ हमने रूम लिया है, होटल अभिनंदन ग्रैंड के नाम से। सो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हमारे होटल के टेरेस पे दिखता हुआ। आई होप यार आप सबको यार ब्लॉग यार काफी पसंद आया होगा। और गाइज अभी आता हूँ बात पे पैसे की, कि कितने खर्चा आपका होने वाला अगर आप आ रहे हो। देखो यार जो होटल मैंने लिया है उसका नाम है होटल अभिनंदन ग्रैंड। अभी नीचे रूम में जाऊँगा तो रूम टूर दे दूँगा, एक बेसिक सा रूम है बट एसी अवेलेबल है। सो बात करूँ यार वो दो लोग मतलब उसमें 2 से 3 लोग रुक सकते हैं अगर आप आ रहे हो। मैं तो जो मेरे को चार्जेस पड़े वो पड़े 1000 रुपये और मैंने जल्दी जल्दी में लिया था, कोई रिसर्च नहीं करी थी, बट आप गो आई वी वो भी देख सकते हो, आपको हो सकता है कुछ अदर ऑप्शन भी मिल जाए। और पहले ये रेलवे स्टेशन के देहरादून के मतलब 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहाँ से आपको मसूरी के लिए और कई अलग जगह के लिए बसेस मिल जाएंगी। सो गाइस यार मैंने किया था ऑटो, ऑटो वाले ने लिया 1350 रुपये और उसने 5 पॉइंट्स मेरे को घुमा दिए। अब यार इससे सस्ता ऑप्शन बताता हूँ आपको, अगर आप स्कूटी रेंट करते हो जिसका चार्ज रेंट का है 500, आप उसमें पेट्रोल डलाओ 2 लीटर लगभग और आप जो है ये 5 पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक सस्ता ऑप्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो है अगर स्कूटी ले रहे हो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो, क्योंकि आप गूगल मैप के भरोसे आप इधर उधर सर्च करोगे लोकेशन पे पहुंचोगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा तो आप पूरे दिन भर में एक्सप्लोर कर लोगे। थर्ड ऑप्शन आता है कैब का, जिसके चार्जेस थे 2500 रुपये वो बोल रहे थे, बट आप बार्गेन करोगे तो आपको 2000-2200 के आसपास मिल जाएगा। अब गाइस इन सब के बाद एक और ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट बसेस से अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग प्लेसेस को, बट वो काफ़ी टिपिकल है, मतलब अगर आप मेरी तरह हो जो फर्स्ट टाइम देहरादून आ रहे हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा वो चीज़। सो गाइस कुछ इस तरीके का आपको किंग साइज बेड मिल जाएगा, डबल बेड है और साइड में जो है इन्होंने मतलब फ़ोन वोन दिया रिसेप्शन पे आपको कुछ मंगाना है तो, और वहाँ एक प्लेन वाटर की बॉटल दी है, वहाँ चार्जिंग स्लॉट है, इस साइड भी इन्होंने चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। ऊपर यार इन्होंने एसी दे रखा है, मतलब एसी रूम है ये, और एक लाइट यहाँ दी है, एक लाइट यहाँ दी है और फैन भी दिया है और प्लस इन्होंने टीवी भी दिया है। और एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, सो गाइस ये है यहाँ का वॉशरूम, मतलब ठीक है वॉश बेसिन है, सोप ऑप दिया है उन्होंने। और सबसे तगड़ी चीज गाइस यार ये व्यू जो आ रहा है ना भाई, वॉशरूम में बैठे बैठे भी व्यू का आनंद लो। तो डेट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, करता हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, बट इसके आगे की जर्नी होने वाली है बहुत तगड़ी और आप सबको समझ आएगा कि मैंने इस जगह पे इस लोकेशन पे रूम क्यों लिया था देहरादून में, तो वो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो। सो करता हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पर, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। और गाइज अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई एम हैप्पी टू आंसर। सो बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।